हेलो एवरीवन दिस इज रानी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन और आज के वीडियो में हम देखेंगे द कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑफ़ द चैप्टर द बेगर बट बिफोर वी बिगिन विद द चैप्टर लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो विद अ गुड ब्यूटीफुल मोटिवेशन और वो ये है

पर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करे ताकि आप अपने एग्जाम्स में तो रॉक करो ही साथ ही साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो सो वी आर मेकिंग श्योर दैट वी सपोर्ट यू एंड काइंड ऑफ वी वी विद यू सो सो दैट ऑल कैन विन दिस इज हाउ ये है द मोटिवेशन दैट वी शुड ऑलवेज स्टार्ट द चैप्टर एंड लाउ लेट जस्ट गेट स्टार्टेड स्टार्ट कंप्लीट चैप्टर रिविजन ऑफ द लेसन जो कि है द बेगर नाउ एज द टाइटल सजेस्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक बेगर की जो कि एल्ब्स मांगते हैं जो अपनी बेसिक नीड्स के लिए बेक करते हैं उनको बेगर कहा जाता है राइट नाउ दिस बेगर विल बी कंप्लीटली चेंज आफ्टर मीटिंग अ पर्सन एंड वॉट हैपन्स क्या हुआ आगे कैसे वो चेंज जाते हैं एंटायरली उनकी जो थिंकिंग है जो पर्सनैलिटी है चेंजेस वॉट हैपन्स हाउ ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू टेक प्लेस ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं साथ ही साथ वर्ट एक्चुअली यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट वुड बी टोल्ड टू यू टू वर्ड्स द एंड ठीक है जब हम चैप्टर का वर्ड टू वर्ड जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से पढ़ लेंगे इसके बाद आपको अगर समरी चाहिए वो भी मिलेगी इस वीडियो में एंड ऑल्सो वट एवर द मैसेजेज बीन डिलीवर्ड वो भी हम पढ़ने वाले हैं सो so, इस तरीके से अगर आपको डिटेल्ड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो समरी और डी सोलूशन चाहिए ना फॉर शोर sure आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं गो एंड चेक देम आउट बट इफ यू टू जस्ट एक वन गो में गो थ्रू द रिवीजन ऑफ द चैप्टर ऑन द राइट वीडियो लेट स्टार्टेड विदिक छोटा मोटा सा ओवरव्यू एंड देन हम बिगिन करेंगे द मेन चैप्टर सो दिटन बाय एंथ और इन्हीं का क्लास टेंथ में भी आपको एक प्ले पढ़ने को मिलेगा विच इज अ वेरी लाइक कॉमेडी टाइप का प्ले ठीक है सो या वेट फॉर इट जैसे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे यू विल रीड वन प्ले विच इज लाइक अ रशियन प्ले और ये भी एक रशियन टाइप का ही स्टोरी है बिकॉज ही इज अ रशियन राइटर क्लियर

Turn your attention to a poor, hungry man. For three days I have had nothing to eat. I haven't five kopecks for a lodging. I swear it before God. So, these dialogues ये बेगर के हैं आ, ये सबसे एम्स मांग रहे हैं एम्स वर्ड आई होप आपको पता हो जब कोई बैग करता है अपनी बेसिक नीड्स के लिए उसके लिए वर्ड एल्स होता है भीक जो होता है वर्ड उसके लिए यूज करता है ठीक है सो यहाँ पर जो बेगर है वो बोल रहे हैं प्लीज सर दया कीजिए हैव पिटी आ, मेरी तरफ ध्यान दीजिए आई एम अ पुअर हंग्री मैन मैं गरीब हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है तीन दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है आई हैव हैड नथिंग टू ईट एंड मेरे पास पांच कूपर्स यानी बहुत छोटा अमाउंट होता है उतना भी नहीं है कि मैं एक लॉजिंग एक रहने की जगह ढूंढ So, एंड मैं भगवान की कसम खा सकता हूं yani मैं कसम से कह रहा हूं days, मेरे पास रहने की भी जगह नहीं है सो so, का मुझे कुछ पैसे दे दीजिए फॉर एट ईयर आई वॉज अज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस माई प्लेस थ्रू इन ट्रीक्स फिर वो बोलते हैं मैं आठ सालों तक विलेज में एक स्कूल टीचर था ठीक है आठ सालों तक क्या थी स्कूल टीचर बट मेरी जो पोजीशन है जो नौकरी है वो चली गई आई लॉस्ट माई जॉब क्यों बिकॉज ऑफ इंट्रीज इंट्रीज मतलब जो जो एक रचा जाता है आ, मतलब जो भी वगैरह हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया प्लानिंग प्लॉटिंग जिसकी वजह से इनकी जॉब जो है वो छिन गई आई फेल टू कैलिमनी ठीक है वही चीजें जितने भी कलीग्स हैं उन्होंने पूरा प्लान किया प्लॉट किया षडयंत्र रचा इनके अगेंस्ट कुछ कुछ बोला ठीक है और जिस वजह से इनकी रेप्यूटेशन रिस्पेक्ट जो है वो खराब हो गई एंड ही वाज नॉट यू नो ही वाज नॉट कंटिन्यूड इन दैट स्कूल और इस तरीके से इनकी जॉब चली जाती है इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग टू डू और एक साल हो गया है मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है इसका मतलब दिस इज द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग फॉर बेसिक नीड्स वाई एम आस्किंग फॉर फूड मनी एंड स्टाफ क्योंकि मैं एक अच्छी खासी नौकरी पे था बट धोखा मिला मेरे को दैट्स आई लॉस द जॉब एंड फाइनली अब मेरे पास एक साल हो गया है कुछ भी करने को नहीं है सो so मैं अभी बेगिंग कर रहा हूँ क्लियर ओके एडवोकेट सरगाट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक एंड इट सीन टू हिम एज सीन दिस मैन समेर बिफोर पहले कैरेक्टर बेगर हो गए नेक्स्ट कैरेक्टर एक एडवोकेट है वकील है जिनका नाम है सरगा ठीक है सो सरगा जो है वो ध्यान से देखते हैं जो बिल्कुल फटे पुराना सा ओवर कोट पहना है फोन कलर मतलब ब्राउनिश कलर का कोट पहना हुआ है वो देखते हैं सप्लाइंट मतलब यहाँ पर है बेगर ठीक है सो so, जो ये वकील है एडवोकेट है सर गाय वो ध्यान से देखते हैं इसको इसने ब्राउन कलर का कोट पहना है बैगर ने और थोड़ा है ऑब्वियसली सो so, उनको देखते हैं उनकी आंखों को देखते हैं जो बहुत ही डल है क्योंकि ड्रंकन आइज है मे बी वो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आंखों में दिख जाता है उनके कि बहुत ज्यादा अल्कोहल पिया हुआ है तो वैसी ड्रंकन आइज दिख रही है साथ ही साथ उनकी चीक्स पे बैगर की चीक्स पे लाल लाल स्पॉट्स हैं दोनों तरफ एंड ऑल्सो ऐसा लग रहा है एडवोकेट को सरगा इज फीलिंग दैट ही हैज ऑलरेडी सीन दिस मैन बिफोर उन्होंने पहले इस बैगर को कहीं तो देखा है उनको ऐसा ना लग रहा है किसन समवेयर टाइप का फेस लग रहा है आई है पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगांट वेंट ऑन बट आई है मनी टू गेट द अब ये जो बैगर है वो अपना कंटिन्यू रखते हैं पॉइंट ही इज लाइक कि मेरे पास एक ऑफर है अभी मेरे को कालुगा से एक ऑफर आया है वहां जाने का बट मेरे पास पैसे नहीं है टू गेट देर सो आई हैव गॉट एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन मतलब पहले मैं स्कूल टीचर था मुझे वहां पे बुलाया गया है एक जॉब के लिए बट मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वहां तक पहुंच सकूं सो so इस तरीके से मैंडिकेन यानी कि जो बैगर है पुअर पर्सन ही इज कंटिन्यूइंग विथ हिज लाइन्स कि क्यों मतलब उनको पैसे चाहिए हेल्प मी काइंडली आई एम टू आस बट आई एम ऑब्लाइज टू माई सर्कमस्टांसेस बोलते हैं प्लीज मेरे मेरी मदद कर दो uh, मुझे शर्म आ रही है पूछने में क्या आपको पैसे दे दो, दो या मेरी मदद कर दो बट मेरी सिचुएशन ऐसी है मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मुझे फोर्स कर रहे हैं मेरे सर्कमस्टांसेज टू आस्क यू फॉर द मनी सो इस तरीके से जो बैगर है वो अपना पॉइंट आगे रख रहे हैं दैट वाई ही नीड्स मनी क्लियर ओके

look here it seems to me i met you the day before yesterday in sadovaya street but you told me that when you were a student you had been expelled and not a village school teacher do you remember now Sagay bolte कि देखो मेरी तरफ देखो मुझे लग रहा है कि मैंने तुमको ना डे बिफोर येस्टडी यानी तुमको परसों देखा था कहां पर साधो वया स्ट्रीट पे और वहां तुमने मुझसे बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुमको स्कूल से निकाल दिया है और इस वजह से तुम जो हो बैगिंग कर रहे हो और तुमने कभी नहीं बोला कि तुम एक स्कूल टीचर हो तो क्या तुम्हें याद आ रहा है सो so, इस तरीके से मे बी सर गाय सरगाज लाइक ही हैज ऑलरेडी मेट दिस बैगर बैगन ने पहले बोला था कि वो स्टूडेंट है एक्सपेल कर दिए गए अब बोल रहे हैं मैं एक स्कूल टीचर हूँ मतलब सच क्या है तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो इस तरीके से वो उनसे पूछते हैं

तो तुमने मुझे ये भी बोला था कि तुम एक स्कूल टीचर नहीं तुम एक स्टूडेंट थे और तुमने रीजन भी बताया था कि तुमको क्यों निकाल दिया था अब क्या तुम्हें याद आ रहा है सो so, इस तरीके से द एडवोकेट वो श्योर एंड ही इज एन एडवोकेट है ना मतलब तह तक जाना उनका प्रोफेशन है साथ ही साथ ही अंडरस्टूड कि इंसान झूठ बोल रहा है एंड ही बिफोर टोल्ड मी कि स्कूल स्टूडेंट है एक्सपेल कर दिए गए हैं अब बोल रहे हैं कि मैं विलेज स्कूल टीचर हूँ सरगाय फ्लैश एंड टर्न फ्रॉम द रैक्ड क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्कस्ट अब सरगा जो है वो जैसे यू नो देख रहे थे ना उनको पहले नॉर्मली बात करते हैं और समझ गए कि झूठ बोल रहा है तो उनकी तरफ ना डिस्गस्टिंग तरीके से वो देखते हैं दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर ही क्राइड एंग्रीली दिस इज स्विंडलिंग आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू डैम यू नाउ ही वॉज लाइक कि ये झूठ बोल रहे हो तुम ठीक है ये एक धोखाधड़ी की बात है और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा सो so, इस तरीके से बहुत गुस्से में आ चुके हैं ये एंड डेफिनेटली उनको समझ आ गया कि ये झूठ बोल के पैसा कमा रहा सर ही सेड लेंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट द फैक्ट इज आई वाज लाइंग आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर ऑल दैट वाज फिक्शन अफसर गाय वाज ऑर्गेनिक जो बेगर है ही वाज श्योर कि मतलब कुछ भी हो सकता है तो वो अपने हाथ पे हाथ रख के बोलते हैं कि सर मैं झूठ बोल रहा था और मैं झूठ इसलिए बोल रहा था क्योंकि ना तो मैं स्टूडेंट रहा ना ही मैं विलेज स्कूल टीचर था दोनों ही झूठी बातें थी ये सब मेरा फिक्शन था एक इमेजिनेशन था असलियत तो ये है फॉर्मरली आई सैंग इन अ रशियन कॉयर एंड वो सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस सच्चाई ये है कि मैं पहले एक रशियन ग्रुप में गाता था मतलब जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं ना उसको कॉयर बोलते हैं तो मैं एक रशियन ग्रुप में गाता था बट क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एल्कोहल पीने की आदत है इसीलिए मुझे वहां से निकाल

अ पार्ट ऑफ अ रशियन कॉयर आई यूज टू सिंग फॉर धेम बट बिकॉज ऑफ माई ड्रंकनेस आई वॉज थ्रोन अवे एंड इफ आई टेल पीपल की मेरे को इस आदत की वजह से निकाला गया है द नोबडी वुड गिव मी मनी इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है सो so, इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी सर गाय के सामने वॉट कैन यू डू यू आस्क वॉट यू कैन डू क्राइट सर गाय कमिंग क्लोज टू हिम कैन डू यू मस्ट वर्क ना सर वॉज लाइक तुम पूछ कैसे रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ उनके पास चले जाते हो तो तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम क्या कर सकते हो ऑब्वियसली तुम काम कर सकते हो यू कैन वर्क एंड देन यू कैन यू नो अर्न मनी वर्क येस आई नो दैट माई सेल्फ बट वेर कैन आई फाइंड वर्क सो द बैगर इज लाइक ऑब्वियसली मेरे को भी पता है कि मैं काम कर सकता हूँ बट मेरे को काम कहां मिलेगा लाइक वेयर विल आई फाइंड द जॉब आई हाउ वुड यू लाइक टू चॉक वर्ट फॉर मी सरगा वॉज लाइक उन्होंने टाइम वेस्ट किया जो काम है वो ऑफर कर दिया उन्होंने बोला क्या तुम तो मेरे लिए लकड़ियां काटने का काम करोगे वुड यू चॉप द वुड फॉर मी आई रिफ्यूज टू डू दैट बट इन डेज इवन स्किल्ड वुड फाइंड विदाउट ब्रेड नाउ बेगर लाइक मेरे को मना नहीं करना है मुझे कोई परेशानी नहीं है काम करने में बट अभी भी जो लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड वुड कटर्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रोफेशन यू प्रोफ, नो you know, एक तरीके से प्रोफेशनल है वुड कटिंग करने में आ, वो भी आजकल बिना खाने के बैठे हैं लाइक उनके पास भी पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगा ये काम करके सो so, इस तरीके से वो अपना पॉइंट रख रहे हैं कि मतलब क्या ही मिल जाएगा मुझे वुड कट करके विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी लाइक क्या तुम आ रहे हो uh, वुड कट करने की नहीं मतलब ही लाइक तुमको काम करना है अगर तो तुम मेरे साथ चल सकते हो या मेरे यहाँ पे काम के लिए आ सकते हो येस सर आई विल वेरी वेल सून फाइंड आउट नाउ बेगर हैड नो चॉइस उनके पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ा था सरगाय ने ही वॉज लाइक हाँ ठीक है मैं काम करूंगा एंड सरगा वॉज लाइक ठीक है वो तो जल्दी पता चल जाएगा कि तुम मेरे लिए काम करोगे कि नहीं सरगाय हिज हिज हैंड्स ही कॉल्ड कुक आउट ऑफ द किचन इनको लेके जाते हैं बहुत जल्दी 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 चलने लगते हैं ये और अपने हाथ को ऐसे मलते हुए कि पता चलेगा तुम काम करोगे कि नहीं और फिर जैसे ही घर पहुंचते हैं अपनी कुक को बुलाते हैं किचन से बाहर ठीक तो है द कुक

अब बेगर जो है ना उनकी जो कंडीशन है ऐसा लगता है उनको के कि वो एक स्केर क्रॉ टाइप के जो नहीं फार्म यार्ड में खड़ा कर दिया जाता है स्केर क्रो जिससे कौवे वगैरह फसल खराब नहीं करते सो so इस तरीके की कि बेगर जो है वो वैसे ही लग रहे हैं तो वो जो है अपना जिस तरीके से उनका आ, काम करने के प्रति बिल्कुल मन नहीं था ना वो मतलब बे इच्छा से जा रहे थे वो समझ आ रहा था द वे ही श्रब्ड शोल्डर्स हाँ ठीक है अब जाना ही पड़ेगा ऐसे टाइप का एंड वो बिना अपनी इच्छा के ही वॉज नॉट एट ऑल विलिंग और वो कुक के साथ जाते हैं टू द वुड शेड एरिया इट obvious from फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटिंग टू गो एंड चॉप because बिकॉज ही hungry हंग्री एंड work, वर्क बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन by his ओन words. और जिस तरीके का पैटर्न था ना चलने का वॉक करने का जो तरीका था ना उसको गेट कहा गया तो जिस तरीके से ये जो बेगर है वो चल रहा था उससे ही समझ आ रहा था कि उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी उनकी बिल्कुल मर्जी नहीं थी कंसेंट नहीं, नहीं था काम करने का बिकॉज उनको खाना चाहिए था उनको काम चाहिए था नहीं बल्कि एक तो प्राइड की बात थी भाई एक ईगो भी होता है साथ ही साथ वो अपने शब्दों में फंस गए थे ही वॉज ऑलरेडी ट्रैप्ड इन हिज ओन वर्ड और इसीलिए उस शर्म की वजह से ही हैड टू तो से येस टू द एडवोकेट टू वर्क फॉर हिम क्लियर इट वॉज ऑब्वियस टू

Shed. Finally, क्या देख रहे थे वो विंडो से so, कुक और जो बैगर है वो बैकडोर से पहुंचते हैं यार्ड में एंड वहां पर कुछ डर्टी स्नो एरिया है वहां पर वो जाते हैं टूवर्ड द्लेड रेथफुली एटनियन शोफ डे मै साइड विधलो अनलॉक द शेड एंड एंगली बैन्ड द डोर अब क्या हुआ ना ओलगा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये पर्सन तो बहुत ही रैथफुली uh, बहुत ही डिसगस्ट के साथ वो देखती हैं बैगर की तरफ उसको शोव यानी अब पुश करती है अपनी एल्बो से मतलब साइड हटो और दरवाजा खोलती है शेड का और एकदम से जोर से बंद करती है बिकॉज शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी टू सी दिस पर्सन नेक्स्ट हिडो टीचर सीट हिमसेल्फ एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद्स रेस्टिंग ऑन हिस क्या होता है pseudo, मतलब, false. तो नेक्स्ट जो सरगा देख पा रहे थे वो ये देखा उन्होंने कि यह जो झूठ मूठ का टीचर है मतलब वो टीचर तो था नहीं बगैर तो वो जो है बैठ गए एक लॉग पे मतलब एक वुड का जो लॉग होता है उस पर बैठ गए एंड बिकम लॉस्ट इन हिस्स थॉट और अपनी ही सोच में कहीं डूब गए कैसे उनकी जो चीक्स है रेड कलर की उनका जो फिस्ट मतलब मुट्ठी तो ऐसे करके वो बैठे हुए और कुछ सोच रहे द वुमेन फ्लंग डाउन ए नेक्स्ट एट हिस्स फीट

विथ हिज एक्स कॉशियसली अब होता क्या है कि बगैर फिर से उसको उठाते हैं जो वुड का पीस था और इस बार जो है वो अपने थोड़े से हवा करते हैं और अपने हाथ को वार्म अप करते हैं तभी वो मार पाएंगे और फिर इस बार एक्स को जो है वो बहुत ध्यान से मारते हैं उस लॉग ऑफ वुड पे स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड क्यों कॉशियस थे इस बार क्योंकि उनको डर लग रहा था कि भाई वो अपने पैर पे न मार दें ओवर शू पे दूसरी बात हो सकता है वो अपनी फिंगर कट कर दे सो so, इस तरीके से वो जो है ध्यान से मारने की कोशिश करते हैं बट फिर से वो जो पीस ऑफ वुड है वो गिर जाता है क्लियर ओके okay.

यानी कि बहुत अल्कोहल पीता है एंड ऑल्सो शायद बीमार है ऑब्वियसली था अल्कोहल कंज्यूम करता है तो और मैंने उसको इतने ज्यादा एफर्ट वाले हार्ड वर्क वाले काम पर लगा दिया वो भी इतने ठंड के मौसम में सो ही वाज फीलिंग वेरी बैड और ऑल्सो इनको बहुत अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि मैंने ऐसा काम क्यों दे दिया एंड आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड 1 घंटे बाद ओल्गा आती है मतलब आप सरगा शायद नोटिस नहीं करें लोग क्या काम कर रहे हैं ओल्गा आती है एक घंटे बाद और आके बोलती है कि भाई जितनी भी लकड़ियां हैं वो सब कट कर दी हैं उसने बैगर ने द वुड हैज बीन चॉप्ड क्लियर गुड गिव हिम है रूबल सेट सर गाय तो, तो सरगा बोलते हैं वाह बहुत अच्छी बात है और उसको हाफ रूबल दे दो यानी उसको पैसे दे दो इफ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक इन कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ एंड नेक्स्ट सरगा बोलते हैं कि बेगर को बोल दो कि अगर उसकी इच्छा है तो वो हर महीने की जो फर्स्ट डे है यानी कि जो फर्स्ट डेट होगी हर मंथ की तो वो आकर जो है वुड का चॉप करने का काम कर सकता है वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम और हमारे पास कुछ ना कुछ काम होगा ही उसको देने के लिए ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हेज एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल ऑल दो ही कुड बेली स्टैंड ऑन हज लेग्स फाइनली वो नेक्स्ट मंथ की जो फर्स्ट डेट है उस दिन आता है वेफ का मतलब यहां पर क्या है कोई पर्सन जिसके घर भर नहीं है यू you नो know, ऐसे पर्सन को वेफ कहता है so, यहां पर ये जो

एंड मैट्रेसेस और डिफरेंट डिफरेंट काम वो करने लगे थे कभी ही शॉवल द स्नो शॉवल ये जो देख रहे हो ये होता है शॉवल और इस तरीके से बर्फ हटाना इसे स्नो तो रिमूव द स्नो विद द शॉवल ये काम करते थे वुड शेड होते हैं उसको एक ऑर्डर में रखते थे एंड कभी कभी जो रग्स मैट्रेसेस चटाई कार्पेट है उसको मारते हैं ना डंडे से ताकि धूल निकल जाए सो ही वुड बीट द डस्ट आउट ऑफ द रग्स एंड मैट्रेसेस तो कुछ ना कुछ काम होता ही था लुश्कॉफ के लिए बैगर के लिए Uh, किसके घर पे सरगाय के घर पे एवरी टाइम रिसीव्ड फ्रॉम ट्वेंटी टू and एंड even इवन अ of ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स sent आउट टू him। तो so, हर बार उनको पैसे दिए जाते थे कभी 30, कभी 40 या 30 टू 40 के बीच में uh, दे दिया जाता था इनको Also एक बार उनको पुराने ट्राउजर्स भी दिए गए थे is द बेगर तो उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं थे सो so, उनको एक बार ट्राउजर भी दिया गया था ताकि वो उसको पहन सके सो so, इस तरीके से अब वो काम करना स्टार्ट कर चुके थे When Sir Guy moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. अब जो Sir Guy हैं, वो अपने दूसरे घर में shift हो रहे हैं, shifting to a new house. और वहाँ पर उन्होंने आ, इसी beggar को काम दिया, hire किया कि वो सामान pack करने में और सामान को transport, haul कराने में मदद करे. This time the wife was sober, gloomy and silent. But अब जो beggar हैं, वो change हो गए थे. This poor man has changed. अब वो सोबर हो चुका है यानी उन्होंने ड्रिंकिंग की हैबिट छोड़ दी थी वो नो मोर ड्रंकर ऑल्सो ग्लूमी थोड़े सैड टाइप के रहते थे एंड साइलेंट चुप रहते थे वो

beggar name clear okay he only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness his feebleness and his tattered fancy overcoat वो सिर्फ ठंड में शिवर कर रहे थे बैगर ही वॉज शिवरिंग बहुत ज्यादा ठंडे और इतने वार्म क्लोथ्स हैं नहीं उनके पास तो बहुत ज्यादा कांप रहे हैं ऑल्सो ही वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड इनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्यों क्योंकि जितने भी कार्टर्स थे जो भी पूरा सामान वगैरह लेकर जा रहे थे वो लोग इसका मजाक उड़ाते जीओ डैट हिम मेड फन ऑफ हिम मेड फन ऑफ हिज आइडियलनेस वो कुछ नहीं कर रहे हैं काम वगैरह उसका मजाक उड़ाया उनकी फीबलनेस का बिकॉज ही हैज बिकम वेरी वीक एज ही अ वेरी बैड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग और लॉट तो उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है वो जा चुकी है बॉडी की एंड ही वॉज वेरी फीबल तो इसीलिए मजाक उड़ा रहे थे ऑल्सो हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट

और बोला खुश हूं कि मेरे जो शब्द हैं वो काम किया उन्होंने कुछ एंड माई वर्ड वेल्प यू टू बिकम बेटर टू बिकम अ बेटर पर्सन हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क और जितना भी तुमको तकलीफ हुआ है वट एवर डिफिकल्टीज यू फेस्ड वट एवर थिंग्स वेनफुल फॉर यू इस पूरी जर्नी के दौरान दिस मनी वॉज फॉर यू लाइक एक रूबल इसीलिए उन्होंने दिया एंड आई सी यू आर सोबर वो बोलते हैं कि मुझे दिख रहा है अब तुम सोबर हो गए हो तुम यू you नो know, तुमने पीने की आदत छोड़ दी है यू आर नो मोर ड्रिंकिंग यू हैव चेंज योर सेल्फ एंड ऑल्सो यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क बिकॉज बिफोर यू वर Not that much interested in working hard, but अब तुम्हें काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। What is your name? And now he asked the beggar कि तुम्हारा नाम क्या है? And I already told you it's Lushkov, तो वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम Lushkov है। Well Lushkov, I can now offer you some other cleaner employment. And then he was like कि okay, now I'm going to give you a better employment opportunity, because इसके पहले जो भी काम था सामान shift कराना, साफ सफाई करना, मतलब rugs, mattresses को साफ करना, बूट shed को arrange करन वुड काटना ये सारी चीजों से भी मैं अलग तुम्हें एम्प्लॉयमेंट देना चाह रहा हूं लाइक समथिंग जो कि थोड़ा बेटर है कैन यू राइट एंड देन ही क्या तुमको लिखना आता है बिकॉज उस एम्प्लॉयमेंट के लिए इनको लिखना आना चाहिए सो आई कैन राइट देन टेक दिस लेटर फ्रेंड ऑफ माइंड टूमोरो एंड यू विल कॉपिंग टू डू वो बोलते हैं अच्छा ठीक है तुमको लिखना आता है तो मेरे एक फ्रेंड है उनके पास ये लेटर लेकर जाना कोई लेटर दिया उन्होंने सरगाय ने और बोला ये लेटर लेके जाना मेरे फ्रेंड के पास वो तुम्हें कुछ कॉपी वगैरह का कुछ काम है वो कर, करने के लिए देगा वर्क हार्ड डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर वॉट आई हैव टू यू गुड बाय एंड देन लाइक बहुत मेहनत करना वर्क हार्ड डो नॉट ड्रिंक बिकॉज ऑब्वियसली वो आदत जो है वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव प्रूव हो रही थी फॉर uh, द बेगर ज लुश्कॉफ एंड ऑल्सो रिमेंबर मैंने जो कुछ भी बातें तुम्हें कही है रिमेंबर एवरी थिंग एंड गुड बाय और इस तरीके से वो उनको बाय कहते हैं प्लीज डॉट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ सगाप्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेम गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग ऑल्सो बिकॉज सॉज वेरी हैप्पी उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने एक इंसान को सही रास्ते पर लेकर आए वो बिकॉज लुश्कॉफ uh, की लाइफ इतनी सेटल्ड नहीं थी तो क्योंकि वो ठीक करने में उन्होंने कुछ किया अपना एक योगदान दे पाए वो सो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड इसीलिए वो सरगा को टैप करते हैं शोल्डर लाइक लुश्कॉफ को सॉरी टैप करते हैं काइंडली शोल्डर पे लाइक वेल डन एंड ऑल्सो जब वो जा रहे होते हैं फ्रॉम दैट डे फोर्थ

Then one evening as a guy was standing at the ticket window of a theater paying for his seat he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn seal skin cap

और जैसे ही उन्होंने देखा इस पर्टिकुलर पर्सन को द लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आज द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइंस और ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इन्होंने बहुत ही शाये तरीके से टिमिड वे में बहुत ही शर्माते हुए हिचकिचाते हुए जो भी टिकट काउंटर है वहां पे पर्सन से बोला टिकट सेलर से कि मुझे सीट जो है वो गैलरी में चाहिए और वो कॉपर कॉइन्स जो है पे कर रहे थे फॉर दैट टिकट Now what happened was Lushkov is that you cried Sir Guy. तो Sir Guy ने जैसे ही देखा इस person को वो कोई और नहीं बल्कि वही beggar या Lushkov थे और ये पहचान गए तो वो इनसे पूछते हैं Sir Guy is this you like Lushkov is this you recognizing in the little man his former wood chopper. इस particular person में वो अपने पुराना जो wood chopper था obviously जहाँ से काम start हुआ था उनको identify कर चुके थे

बहुत अच्छी इनकम है सो so, इस तरीके से वो अब वेल सेटल्ड हैं और वो ये बताते हैं किसको स को क्लियर ओके थैंक हेवन दैट्स फाइन आई एम डिलइक फॉर योर सेक एम वेरी वेरी ग्लैड लुश्कॉफ यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस अब ये बहुत ज्यादा खुश जाते हैं सर गायन ही गेट्स टू नो कि लुश्कॉफ सेटल्ड हो गए हैं और उन्होंने जो कुछ भी उनको सिखाया था वो लिटरली वर्क किया एंड ही हैज चेंज एज अ पर्सन तो इस तरीके से वो बहुत खुश जाते हैं वॉज लाइक थैंक गॉड इतनी खुशी हो रही है मुझे तुम्हारे लिए और यू आर माई गॉड सन लाइक भगवान ने जो है तुम्हें आ, भगवान के बेटे हो तुम आ, ऐसा पर्सन जिसको आपने सोच लिया कि यू विल टेक केयर ऑफ द पर्सन उनको राइट पाथ पे लेकर

गिर जाओ इतनी नौबत आ हाँ गई थी तो वो उस तरीके से अपनी तारीफ करने में लगे हुए हैं कि मैंने मैंने तुम्हें चेंज किया मेरी वजह से हुआ एंड स्टफ लाइक दैट थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माय वर्ड्स एंड ही वाज लाइक थैंक यू सो मच तुमने मेरे शब्दों को तुम भूले नहीं यू रियली रिमेंबर्ड माय वर्ड्स यू वर्कड ऑन देम एंड सी आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हारी आज लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है सो यस सरगाइ वाज वेरी वेरी हैप्पी दैट उनके कहने की वजह से ऑल्दो वर्ड्स ही यूज्ड ऑल व्हाट ही डिड उसकी वजह से नुश्कोव वाज Better now, like he was a better person now. Clear? Okay. Thank you too," said Lushkov. Lushkov bhi grateful है, thankful है, to wo bhi unko thank you bolte hain If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, उन्होंने बोला ना कि कभी उन्होंने बोला कि मैं एक student था, expelled कर दिया गया, कभी उन्होंने बोला मैं एक village teacher था, conspiracy की वजह से मुझे निकाल दिया गया. तो वो बोलते हैं कि अगर मैं उस दिन आपक तो शायद आज मैं यही कर रहा होता बैक कर रहा होता लोगों को वही झूठी कहानियां सुना रहा होता येस बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन अट्रैक्ट माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट आपने जो मुझे सही रास्ता दिखाया आपके घर जाना काम करना वो जो एक प्रोटेक्शन था जो आपने मुझे प्रोवाइड किया मैं अगर उस वक्त उस जगह पे पहुंचा हूँ आई अग्रीड टू कम विथ यू और मैं गया आपके साथ आपकी बात सुनी तभी तो मैं अपने आप को इस पिट इस गड्ढे से बाहर निकाल पाया हूँ एंड या आई एम अ बेटर पर्सन नाउ आई एम वेरी ग्लैड इन एंड ही वॉज लाइक मैं बहुत 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 खुश हूँ थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक ऑल्सो लुशकॉफ इज लाइक थैंक यू सो मच आपने जो भी सही अच्छे शब्द मुझे बोले आपने जो अच्छा काम किया मेरे लिए ऑब्वियसली इनका कोई बेनिफिट नहीं था सर गाय का बट ही हैव द पर्सन है ना टू बिकम बेटर तो इस तरीके से हम उनको बोलते हैं आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल्सो आई एम ग्रेटफुल टू योर कुक जिनकी कुक थी ऑलगा उनका भी बोला उन्होंने कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हर टू गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन भगवान जो है वो हमेशा उस अच्छी और नोबल वूमन यानी ओल्गा को यू नो you know, ब्लेस करते रहे ब्लेसिंग्स देते रहे यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी टू टू यू माय डाइंग डे बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वाज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी तो यहाँ पर आ, जो लुशकॉफ है वो बोलते हैं कि डेफिनेटली आपने मुझसे बहुत अच्छे से बात की उसके लिए मैं हमेशा आपके आपका यू you नो know, कर्जदार रहूंगा आई विल बी टू यू टिल द डे आई डाई बट अगर मुझे असलियत बोलनी है लाइक वॉट चेंज्ड मी एज अ पर्सन वो ऑलगा है नॉट यू लाइक मैं आपकी वजह से चेंज नहीं हूं आपकी वजह से मुझे बहुत मदद मिली है ऑब्वियसली आपकी वजह से मैं वहां पहुंचा बट ऑलगा इज द वन जिसने मुझे बदल दिया हाउ हाउ इज दैट एंड जो चीज हमारे दिमाग में आ रही है सेम थिंग सरगा वॉज लाइक पर वो कैसे लाइक हाउ कुड कुक हेल्प यू वेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वर्ड यूज टू बिगिन ओह यू सॉट ओह यू मिसरेबल क्रीचर बोलते जब भी मैं आपके यहाँ पे काम करने आता था जब भी मैं वुड चॉप करने आता था तो ओलगा जो है मुझे बहुत ज्यादा सुनाती थी शी टू से से यू यू आर एंड इस तरीके नो you know, गलत गलत वो उनको बोलती थी नथिंग फॉर यू बट एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी ग्रो सैड लुक इन टू माई फेस एंड वीप तो वो बोलते हैं ऑलगा जो है मुझे सुना मतलब बहुत ज्यादा बोलती थी कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते तुम सिर्फ एक रुविन हो यू आर स्पॉइल्ड एंड यू कॉन्ट डू एनी थिंग एंड देन वो मेरे सामने बैठ जाती थी एंड शी यूज टू फील वेरी सैड लुक एट मी एंड वो रोने लगती

एंड देन वो उनको सुनाती थी कि तुम बहुत पीते हो यू आर ड्रंक कट तुम हेल में जलोगे विल बर्न इन हेल मतलब इस तरीके से बुरा बुरा बोलती थी तुम बहुत अनहैप्पी इंसान हो एंड इस तरीके से शी वुड से लाइक कंटिन्यू कैरी ऑन इन दैट स्ट्रेस इन दैट स्टे आई कैन टेल यू हाउ मच मिस्त्री शी सफर्ड हाउ मेनी टीयर्स फॉर माइ स्नी ऑलगा वॉज नॉट लाइक शी फेल्ट वेरी नाइस कि वो सुना रही है किसी को शी फेल्ट बैड फॉर दिस पर्सन और जब आपके लिए कोई रियल में बहुत ज़्यादा बुरा फील करता ना तो आपको और बुरा लगता है एंड शॉर्ट ऑफ आप चेंज करने लगते हो कि नहीं मतलब शुड आई डू समथिंग जिससे कोई और बुरा फील करे है ना सो आई टेल यू मैं आपको बता नहीं सकता वो को बोलते हैं कि वो कितना ज्यादा परेशान होती थी मेरे लिए हाउ मच हाउ मेनी टीय शी शेट फॉर मी कितना वो रोई है फॉर सेक बट द चीफ थिंग वॉज यूज टू चॉप द वर्ड फॉर मी इट वॉज कि लुश्कॉफ ने वुड चॉप किया हो बल्कि ओल्गा करती थी उनके लिए लकड़ी काट करने कट करने का काम और पैसे जो हैं वो किसको मिलते थे लुश्कॉफ को डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू शी डिड इट ऑल एंड देन लुश्कॉफ वाज लाइक सर गाय को बोलते हैं आपको पता है मैंने आपके लिए एक भी लाइक एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं था जो मैंने काटा हो लाइक चॉप किया हो इट वॉज ऑलगा हु डिड ऑल द चॉपिंग वर्क तो शी वॉज द वन जो वुड चॉप करती थी ना कि मैं क्लियर ओके okay.

है ना जस्ट बिकॉज ओल्गा उनको सुनाती थी उनका काम करती थी इसीलिए तो उनको भी नहीं पता बोलते मुझे नहीं पता क्या चीज है जिससे मैं सेव हुआ हूँ क्या है जिससे मैं चेंज हुआ मुझे नहीं पता कि मैंने जब से ओल्गा को देखा कि वो मुझे इस तरीके से बोलती थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं पीना चाहिए ना आई स्टॉप ड्रिंकिंग सो आई रियली डोंट नो वाई आई चेंज माई वेज वाई आई बिकम अ बेटर पर्सन

टेलिंग लाइफ टू पीपल सो दैट वो पैसे कमाए पैसे कमाए इन ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ पैसा पैसा चाहिए मनी की उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हूँ ताकत भी नहीं थी कि काम करेंट सरगम्स ऐसा नहीं करते कि उनको कुछ भी नहीं देखे बस चले जाना तो लोग करते हैं बल्कि उनके पास काम था तो उनको काम देते हैं देयर दिस पर्सन गोज वो काम वाम करते हैं ऐसा सरगाय को लगता है बल्कि काम ऑलगा कर रही थी उनके शब्दों से एक चेंज आया सरगाफ में लुश्कॉफ का हार्ट चेंज ही पर्सन उन्होंने पीना छोड़ दिया एंड दैट इज हाउ उनकी जर्नीनी स्टार्ट होती है धीरे 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 जो है सरगाई गिव ऑप्शन, एक अच्छी नौकरी मिली ही वॉज अर्निंग गुड नाउ मेट एंड देन टोल्ड कि बिकॉज ऑफ दोज गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स आई चेंज एज अ पर्सन सो समझ आ रहा है इससे बहुत सी चीज़ें इफ़ यू कैन हेल्प समबड़ी गो फॉर इट इफ यू योर एक्शन योर गुड वर्ड्स कैन हेल्प अ पर्सन चेंज प्लीज़ मेक श्योर कि आप कुछ ऐसा करो ऑल्सो कभी अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारा थोड़ा सा जो एक बोल सकते हो योगदान है इन डूइंग समथिंग गुड फॉर समबडी क्या पता वो लाइफ किसी की पूरी तरीके से चेंज कर दे ऑल्सो अगर कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है यू शुड अंडरस्टैंड कि सामने वाला मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है इज फॉर माई बेटरमेंट तो मुझे गुस्सा ना होकर उस पर काम करना चाहिए सो so, इस तरीके से कुछ कुछ मैसेजेस हैं जो क्लियर वैसे ही हो गए हैं बट चलो फिर से समराइज करते हैं इसको एंड देन वील गेट टू नो द मैसेज डिलीवर्ड क्लियर ओके

एंड उनके जो हैं उस उसपे रेड स्पॉट्स हैं he told Sargay that he had been a school teacher in a village and lost his job due to a conspiracy against him. और उन्होंने Sargay को बोला like जब वो beg uh, करे he doesn't know कि ये कौन है और उनको बोलते हैं कि please मेरी help कीजिए क्योंकि मेरे एक school टी मैं एक school teacher था village में but because of the conspiracy of different people मुझे अपनी job खोनी पड़ी now I don't have money so please kindly give me something this is the reason why he started begging and ये अपना reason देते हैं कि इस वजह से उन्होंने beg करना start किया है when Sargay saw Lushkov's overshoes, he recalled पर, but उनको click हो रहा था कि इसको कहीं देखा है, है जो लुश्कॉफ ने पहना, है, like, थोड़ा पहना हुआ है थोड़ा नीचे जूता पहना हुआ है तब इनको क्लिक होता है कि भाई ये वही पर्सन है जिसको मैंने उस दिन स्ट्रीट पे देखा था ऑब्वियसली बेगिंग एट दैट टाइम ही हैड सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट हु हैड बीन हुक्सपेक्ट तो जब उस वक्त उस स्ट्रीट पे बैक करते हुए देखा था सरगाय ने लुश्कॉफ को दैट टाइम दिस बेगर सेड कि मैं एक स्कूल में लाइक आई वॉज अ स्टूडेंट मैं एक स्टूडेंट था और जो जिसको एक्सपेल कर दिया गया और इसलिए मेरे पास बेसिक नीड्स के लिए पैसे नहीं है बट दिस टाइम ही सेट कि मैं विलेज टीचर था और मुझे निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ ऑल द कॉन्सपरेसीज सर गाय वॉज वेरी एन एडवोकेट सन तो ये बहुत गुस्से में आ जाते हैं एंड थ्रेटेड बैगर वो धमकी देते हैं लुश्कॉफ को टू हैंडम ओवर टू द पुलिस की मैं तुम्हें कॉक्स को दे दूंगा पुलिस को दे दूंगा फॉर चीटिंग पीपल पर डेरिंग लाइस कि तुम झूठ बोल के लोगों को चीट करके पैसे कमा रहे हो तो मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगा अब इस चीज को सुनकर कोई भी डरेगा सेम है वो सच्चाई बोल देते हैं लुश्कॉफ एडमिटेड दैट ही यूज़ टू सिंग इन अ रशियन कॉयर एंड वाज़ फायर्ड फॉर हिज ड्रिंकिंग हैबिट उन्होंने एडमिट किया कि मैं एक रशियन ग्रुप ऑफ सिंगर्स का पार्ट था आई यूज टू सिंग बट बिकॉज मेरे को पीने की बहुत आदत है आई हैव अ ड्रिंकिंग हैबिट इसलिए मुझे निकाल दिया गया

So beggar beggar, uh, uh, उट एंड पता नहीं है बट uh, बेगर मैन टू दुड शेड और वो ये वुपिंग का का काम करेगा

वुड चॉप करने की बट या yeah, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर करके उनकी जो हेल्थ है वो वैसी रही नहीं है बहुत वीक हो गए हैं तो इसीलिए उनसे इतना काम नहीं हो पाता है वैन सगाई सॉ दिस ही फेल सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर मेकिंग द सिक मैन डू मीनियल लेबर इन सच अ कोल्ड वेदर डेफिनेटली जब सरगाई सब देख रहे थे कि वो कोशिश कर रहा है बट काम नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसकी हालत ठीक नहीं है तो उनको बहुत अजीब लगता है एंड ही वॉज लाइक कि यू नो इतनी ठंडे वेदर में मैं इतना अजीब सा काम मीनियल लेबर करवा रहा हूँ किससे इस पर्सन से एंड आ लेटर ऑलगा इन्फॉर्म दैट अब चले जाते हैं सरगाय अपने एरिया से मे बी और ऑलगा एक घंटे बाद आके बोलती हैं कि पूरी लकड़ियाँ कट चुकी हैं एंड या ये सुन के को बहुत अच्छा लगता है कि चलो उसने काम किया सरगा ऑर्डर फॉर हिज वर्क एंड वाज वेरी हैप्पी एंड ही टोल्ड ओल्गा की हाफ ए रूबल दे दो बेगर को ही आल्सो टोल्ड ओल्गा टू इनफॉर्म लुशकॉफिट प्लेस ऑल्सो ऑलगा को बोलते हैं कि बैगर को या उस मैन को बोल दो अगर उसको और काम चाहिए तो वो एवरी मंथ जो फर्स्ट डे है आकर काम कर सकता है आते थे और जो भी काम होता था उनके लिए वो कर चले जाते थे समटाइम्स ही wood shed in ऑर्डर बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस कभी उनको स्नो शॉवल करने का काम दिया जाता था कभी रग्स मैट्रेस से धूल निकालने का काम किया जा, दिया जाता था कभी जो वुड शेड है उसको एक ऑर्डर में रखना है वो काम दिया जाता था सरगाय मूव टू अ न्यू हाउस एंड एम्प्लॉयड लुशकॉफ टू हेल्प हिम इन पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर एक बार जब सरगाय शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस वो लुश्कॉफ को काम देते हैं पैकिंग और पूरे सामान को ट्रांसपोर्ट हॉल कराने का काम ना हैड बिकम न लुश्कॉफ साइलेंट लुश्कॉफ चेंज हो गए हैं वो अब एक सोबर इंसान हो गए हैं उन्होंने ड्रिंकिंग की हैबिट छोड़ दी है ऑल्सो अभी वो थोड़ी ग्लूमी रहते हैं और चुपचाप साइलेंट पर्सन रहते हैं ही डिन टेक पार्ट इन मूविंग द फर्नीचर एंड उन्होंने फर्नीचर को हाथ तक नहीं लगाया और उन्होंने ऐसे नाटक भी नहीं किया कि वो फर्नीचर के लिए थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं इधर से उधर मूव करने में नो ही डेड नथिंग ऑफ दैट शॉर्ट ही वॉज सिंपली वॉकिंग बिहाइंड वैगन विद इज हेड हैंंगिंग लो तो जो वैगन में पूरा सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा था बस उसके पीछे वो धीरे धीरे चलते जा रहे थे

है एंड या yeah, तुम अब अच्छे इंसान बन गए हो तुम काम करने से अब पीछे नहीं हटते हो

so yeah he felt very content two years passed one evening saw Lushkov at the ticket counter of a theater paying for his seat दो साल हो चुके हैं और सरगाय जो hain वो किसी थिएटर के टिकट काउंटर पे खड़े हुए हैं गैलरी की तरफ और वहाँ पर वो एक इंसान को देखते हैं जो कि अपने लिए टिकट ले रहे हैं गैलरी के लिए एंड ही कुड सी दिस पर्सन कि ये वही है कौन लुश्कॉफ

हर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स हेल्ड लुश्कॉफ टू चेंज लुश्फ रिवील्ड हिम। अंगश्फ बोलते हैं कि डू यू नो कि आपने मेरे को जितना भी लकड़ी कट करने का काम दिया था वो मैं नहीं करता था बल्कि ओल्गा थी जो करती थी बींग अ काइंड हार्टेड लेडी शी वुड गिव अवे द मनी टू हिम फॉर द वर्ड शॉपिंग टास्क डन बा और उन्होंने कभी सरगा को नहीं बताया कि सर मैं करती हूँ लकड़ी काटने का काम ये नहीं करता है नहीं कभी नहीं बोला जो पैसे मिलते थे वो चुपचाप किसको दे देती थी लुशकॉफ को सो दैट इज हाउ कितनी काइंड लेडी है ओल्गा वो प्रूफ होता है ओल्गा यूज टू बी एट पुअर कंडीशन शी पंडीशन टू फील वेरी बैड फॉर लुशकॉफ और वो रोती थी कि कितनी मतलब बुरी कंडीशन बना लिए तुमने एंड वाई डू यू ड्रिंक एंड स्टाफ लुश्कॉफ वॉज नॉट अवेयर वॉट मेड हिम चेंज हिज वेज बट ऑलगाज वर्ड्स एंड डीड्स चेंज हिज हार्ट एंड ही चेंज लुष्कॉक बोलते मुझे नहीं पता मतलब ऐसा क्या हुआ कि मैं बदल गया बट डेफिनेटली ओलगा के जो वर्ड्स थे और अच्छे एक्शन थे उससे मेरे को कुछ तो ऐसा लगा कि आई शुड चेंज एंड या दैट इज समथिंग बिकॉज ऑफ विच आई चेंज माई वेज और मैंने अपनी गलत आदतें छोड़ दी एंड आई बिकम अ पर्सन ही स्टॉप ड्रिंकिंग completely एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड उन्होंने पीना छोड़ दिया ड्रिंकिंग हैबिट छोड़ दी एंड ही स्टार्टेड working

अगर किसी को इच्छा होना कि मैं मेहनत करना चाहता हूँ मैं लाइफ में सच में कुछ करना चाहता हूँ डेफिनेटली उनको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ स्टार्ट वर्किंग हार्ड स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे करना है ये एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि आप सक्सेसफुल रहें लाइफ में सेकेंड थिंग एवरी पर्सन शुड ट्राई टू अर्न हिज लाइवलीहुड हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि वो मेहनत करके पैसे कमाए। um, सिर्फ बैठ के किसी से पैसे मांगना एंड स्टाफ उससे बेहतर है कि आप कुछ काम करो है ना कोई हार्डवर्क करो एंड अगर आप हार्डवर्क करोगे और जो पैसे आएंगे उससे आपको अलग ही खुशी होगी एंड लास्ट मैसेजेस आर गुड डीड्स एंड वर्ड्स कैन हेल्प अ पर्सन टू ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि हमारे शब्द या हमारे अच्छा बिहेवियर जो होता है वो किसी को चेंज कर दे तो किसी पर्सन के लिए हमारे शब्द हमारे जो बिहेवियर हैं वो डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें या कभी भी ऐसा लग रहा है आपको कि आप किसी पर्सन की हेल्प कर सकते हो प्लीज़ गिव देम गुड एडवाइस प्लीज़ हेल्प देम टू चेंज देयर लाइफ एंड या इस तरीके से आप उनकी मदद जरूर कर सकते हो सो so, ये तीन बेसिक मैसेजेस हैं इसके अलावा जो कुछ भी स्टोरी में हमने पढ़ा उसमें बीच बीच में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सो ओवरऑल दिस इज द कंप्लीट चैप्टर विच इज टाइटल्ड एज द बेग क्लियर ओके so with this we have finally come to an end of the discussion of the full chapter revision of the beggar i hope you understood each and every word each and every point and also the message that is being delivered but yeah there is one more thing that we need to discuss or wo hai about how can you access the rest of the videos very easily फ्रॉम चैनल विच इज मैग्नेट ब्रेन्स आपको करना क्या है ना आप सीधे सीधे वेबसाइट विजिट कर लो मैग्नेट ब्रेन्स की बिकॉज यहाँ आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है टू एक्सेस एनी वीडियो करना क्या है आपको जाना है गूगल पे टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन डॉट कॉम जो कि हमारी वेबसाइट है जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हो आपके सामने ये जो पेज है वो डिस्प्ले होता है अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखें आपके पास सारे ऑप्शन है बस उस पर क्लिक कर दो जो भी आप पढ़ना चाहते हो लाइक एन टी एस सी ओलंपियाड किंडी गार्डन से क्लास ट्वेल्थ एग्जाम्पल देन यू हैव वन शॉर्ट रिविजन एक्स्ट्रा लर्निंग जो आपको देखना है ना बस क्लिक कर सपोज आप वन शॉर्ट रिविजन ही देखना चाहते हो क्लिक ऑन दिस एज यू विल क्लिक ऑन दिस ना सामने सारे फोल्डर्स आएंगे क्लास नाइन्थ के सारे सब्जेक्ट्स का फोल्डर टेंथ इलेवेंथ, ट्वेल्थ सपोज आप क्लास नाइन्थ का कोई इंग्लिश का टॉपिक पढ़ना चाहते हो क्लिक करो क्लास नाइन्थ के वन शॉर्ट रिविजन के फोल्डर पे यू गेट ऑल द सब्जेक्ट्स क्लिक ऑन इंग्लिश एंड यू गेट द टॉपिक्स क्लिक ऑन एनी टॉपिक एंड यू गेट द रिस्पेक्टिव ने नो मही फॉरन पोअम पे क्लिक किया आपके सामने उसका वन शार्ट रिविजन आ जाएगा सो so, इस तरीके से आप कोई भी वीडियो जो है उसे इजिल एक्सेस कर सकते हो फॉलोइंग द सेम स्टेप्स सो या विजिटिंग वेबसाइट इज डेफिनेटली वर्थ हिड सो या विद दिस वी हैव डिस्कास्ट की आप बाकी के वीडियो कैसे एक्सेस कर सकते हो सो प्लीज डोंट वेस्ट यूर टाइम जस्ट गो चेक द वेबसाइट एंड वॉच ऑल द वन शॉर्ट रिविजन एंड एवरीथिंग जो भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है डन ओके okay. So, with this, we have finally come to an end of the discussion of today's topic. If you feel this video worth it, tha, you understood the chapter, you understood each and every point, then definitely consider giving a big fat thumbs up to the video. Share this and share about the channel with as many people as you can. And yes, agar will update to hairy. Ja subscribe do to the channel. So, with this, do not forget to like, share, and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video. But in the next one, we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.